बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, इंसान ही नहीं, इस दुनिया में बनाई गई हर जानदार चीज़ परेशानी का सामना करती है। भले वो हवा में उड़ने वाले परिंदे ही क्यों ना हों, या ज़मीन पर रेंगने वाले हशरात ही क्यों ना हों, हर चीज़ को, हर जानदार को कुदरत की बनाई गई तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। और ये तकलीफ़ें ही होती हैं जो उस जानदार को मजबूत बनाती हैं। लेकिन अफसोस इंसान पे जो ज़रा सी मुसीबत आने पे घबरा जाता है और परेशान हो जाता है, और इस परेशानी की वजह से ज़िंदगी से मायूस होके इतनी प्यारी और इतनी खूबसूरत ज़िंदगी को ख़त्म कर लेता है। आज मैं आपके साथ इस वीडियो में ऐसे ही एक परिंदे की कहानी शेयर करूँगा जिसके पास खुदकुशी की पूरी पूरी ऑप्शन होती है। वो चाहे तो खुदकुशी कर सकता है, पर वो खुदकुशी नहीं करता, वो खुदकुशी का हराम रास्ता नहीं इख्तियार करता। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इकबाल के शाहीन की, ईगल की। ईगल की जिंदगी से हमारे लिए सीखने में क्या है? दोस्तों, एक शाहीन की उम्र लगभग 70 साल के करीब होती है। जी हाँ, इतनी बड़ी उम्र तक वो जिंदा रहता है, लेकिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा फेज आता है कि जिसमें वो चाहे तो अपनी जिंदगी को खत्म कर सकता है, पर वो ऐसा नहीं करता। शाहीन जब 40 साल का होता है तो कुदरत उसके ऊपर एक बहुत बड़ी आजमाइश डाल देती है। उसकी चोंच बड़ी हो जाती है और आगे से टेढ़ी हो जाती है। उसके पंजों के नाखून बड़े हो जाते हैं, वजनी हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो शिकार को ठीक से पकड़ नहीं सकता, उसे ठीक से नोच नहीं सकता। और इसके अलावा तीसरी मुसीबत ये कि उसके पंख, उसके परों का वजन उसकी बॉडी के वजन से दुगना हो जाता है, जिसकी वजह से वो हवा में, ऊंची हवा में उड़ नहीं सकता, आसमानों के उस पार नहीं जा सकता। अब उस शाहीन के पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो ऐसे जैसे चल रहा है वैसे ही रहे, जमीन से थोड़ा सा ऊंचा ऊंचा उड़ता रहे, जहां तक वो उड़ सकता है वहीं तक ही उड़े और कीड़े मकोड़े ही खाए, और जो वो शिकार करना चाहता है, कुदरत ने जिस शिकार के लिए उसे बनाया है, वो शिकार को छोड़ के अपना पेट भरने के लिए जो कुछ उसके पास अवेलेबल है वो उसी चीज़ में ज़िंदगी गुजार दे। और दूसरा रास्ता ये कि कुदरत की इस मुसीबत को अपनी आसानी बना ले। तो जी हाँ दोस्तों, शाहीन भी दूसरा रास्ता ही चुनता है। वो कुदरत की इस आजमाइश को, इस तकलीफ को बदलने का फैसला करता है, अपनी ज़िंदगी को बदलने का फैसला करता है। वो इन सब चीज़ों से हट के अपने दोस्तों, यारों, रिश्तेदारों को, सबको छोड़ के अकेला एक चट्टान पे चला जाता है, एक गार में चला जाता है। वहाँ एक पत्थर के ऊपर अपनी चूँच को मार मार के सबसे पहले अपनी चूँच तोड़ता है, फिर नई चूँच आने का इंतज़ार करता है। जब नई चूँच आती है तो उसी चूँच की मदद से अपने नाखूनों को नोचता है, फिर नए नाखून आने का इंतज़ार करता है और एक एक करके अपने सारे पुराने परों को नोच देता है और फिर नए परों का इंतज़ार करता है। क्या उसे दुख, दर्द, तकलीफ नहीं होती होगी? आपका कोई नाखून खींचे, आपको दर्द नहीं होगी? कितने दर्द से, दुख से, तकलीफ से वो गुजरता है और कुदरत से एक नई जिंदगी लेता है, फिर कुदरत उसे नई जिंदगी से नवाज देती है, फिर वो 30 साल, अगले 30 साल हवा के उस पार उड़ता है, आसमान के उस पार उड़ता है, जिस जगह जाने से सारे परिंदे घबराते हैं, शाहीन उस तरफ चला जाता है। इकबाल ने क्यों शाहीन की मिसाल दी है? आसमान से नीचे उड़ते हैं परिंदे, आसमान के उस पार उड़ता है शाहीन। शाहीन की परवाज अलग ही होती है, शाहीन की उड़ान अलग ही होती है। अल्लाह ने यही दुख, दर्द, तकलीफ इंसान की जिंदगी में भी रखे हैं ताकि उसकी परवाज इस आसमान के नीचे नहीं, इस आसमान के ऊपर चली जाए और वो एक नई दुनिया बना सके, एक नई दुनिया को कायम कर सके। लेकिन हम लोगों पे जब परेशानी, दुख, दर्द, तकलीफ, आजमाइश आती है तो हम अपने रब से शिकवे और शिकायतों में पड़ जाते हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं है, ऐसा कोई जानदार नहीं है जिसकी जिंदगी में दुख, दर्द, तकलीफ ना हो। आप पानी के उस पार मछली को भी देख लें, छोटी मछली को डर होगा बड़ी मछली से, बड़ी मछली को डर होगा उससे बड़ी मछली से, हर तरफ डर है। लेकिन ये इंसान वाहिद वो चीज़ है जिसने खामखा का डर बना लिया है।
आप जरा सोचिए कि जो पानी के अंदर एक मछली है, अगर वो खाम खा डरती रहेगी तो वो पूरा दिन पानी में भाग भाग के अपनी सारी एनर्जी वेस्ट कर देगी। जो कि अभी आप और मैं कर रहे हैं, खाम खा के डर, दुख, दर्द, तकलीफों में खाम खा की तकलीफें हमने बना ली हैं। असल में उतना मसला नहीं जितना मसला हमने बना लिया है। एक बार सोचो और अपने आप से पूछो, क्या तुम्हारी चोंच लंबी हो गई है, आगे से मुड़ गई है? क्या तुम्हारे नाखून बड़े हो गए हैं? क्या तुम भी एक शाहीन की तरह उस मुकाम पे हो कि जिस मुकाम पे तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहा? तो फिर समझ जाओ कि ये कुदरत ने तुम्हें एक मौका दिया है, इस जगह से उड़कर उस मुकाम पे जाने के लिए जो मुकाम कुदरत ने तुम्हारे लिए बना रखा है। हमारे लिए इस कहानी में सीखने को बहुत कुछ है कि जब इंसान हिम्मत करता है, फैसला करता है, तो फिर वो उस फैसले पे अटल रहता है। कई बार गिरता है उठता है, और वो तब तक उठता रहता है जब तक कि वो पूरी तरह उठ नहीं जाता। दोस्तों, मैं जो आपको नजर आ रहा हूं, बहुत ज्यादा हंसता मुस्कुराता चेहरा, इस हंसते मुस्कुराते चेहरे ने भी जिंदगी में बहुत दुख, दर्द, तकलीफें काटी हैं। मैं बचपन में था जब मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, उसके बाद मैंने जिंदगी में बहुत दुख, दर्द, तकलीफें देखी जो आज मैं लफ्जों में नहीं बयान कर सकता। जरा जरा बात पे रो पड़ता था। लड़कपन में आया, घर के हालात ऐसे थे कि समझ नहीं आती थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लोन लेके बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस डूब गया, फिर लोन पे लोन लिया, फिर बिजनेस डूब गया। सीवियर एंजाइटी, डिप्रेशन, इन चीजों में बहुत बड़ा जिंदगी का अरसा गुजरा मेरा। मैंने भी चाहा कि मैं खुदकुशी कर लूं। मैंने 3-4 बार कोशिश भी की, पर जब एक बार मैंने फैसला कर लिया कि मैंने इन सबसे उठना है, मैंने लड़ना है और निकलना है, मैं गिरा, बहुत बार गिरा, गिरा 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 गिरा, आज मैं खड़ा हो गया। मैं खड़ा हुआ, लेकिन इस खड़े होने के पीछे बहुत सी कोशिश थी, बहुत सी मेहनत थी, बहुत सा वक्त था जो मैंने तन्हाई में लगाया, जो मैंने अकेले में लगाया। सब छोड़ गए थे मुझे, सब मजाक उड़ाते थे, अपने ही थे जो बातें बनाते थे। और आज देख दोस्त, कहां हूं मैं, किस जगह हूं मैं? मैंने अपने रब के कर्मो फजल से अपने इस मकाम को खुद बनाया। मैंने अपने दुख, दर्द, तकलीफ को अपनी कमजोरी नहीं, अपनी हिम्मत बनाई। जिंदगी में दुख, दर्द, तकलीफें ये आएंगी, दिस इज अ पार्ट ऑफ अ लाइफ। आपको स्किल्स सीखनी पड़ेगी इन सबको कैसे मैनेज करना है, इन सबसे कैसे डील करना है, इनसे राह फरार हासिल नहीं करना, इनकी आंखों में आंखें डाल के इनसे लड़ के आगे जाना है। और मैं यही चाहता हूं कि जिंदगी में कोई इंसान जिंदगी से हार के जिंदगी को जाया ना कर दे, खुदकुशी ना कर ले, क्योंकि कुरान के अल्फाज हैं, हर दुख के साथ, हर तकलीफ के साथ मेरे रब ने खुशी को जोड़ रखा है। दुख, दर्द, तकलीफ, उस खुशी की कीमत होती है। तो आज जिस मुकाम पे आप हो, परेशान ना हो, ये वक्ती तौर की कैफियत है, ये वक्ती तौर की चीजें हैं, ये वक्ती तौर के दुख तकलीफें हैं। आज फैसला करो, बाहर आ जाओगे इंशाल्लाह, यकीन के साथ करना, जरूर आ जाओगे। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियोस आपको मिलती रहे, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने कीमती कमेंट का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। तो वीडियो का इख्तिताम यहीं करते हैं। मतलब आपको और आपके इर्द गिर्द के लोगों को, तमाम लोगों को हमेशा खुश रखें। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।